दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के मन में कुछ सवाल भी होंगे कि क्या वाकई में मोबाइल फोन यूज करने से पेट्रोल पंप्स में आग लग सकती है या क्या वाकई में पेट्रोल पंप्स पे आपको मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे, गैस स्टेशंस पे, कि वहाँ पे आपको बोर्ड्स लगे मिलते हैं कि यहाँ पे मोबाइल फोन्स का यूज़ नहीं करना है, मोबाइल फोन्स को ऑफ रखना है और अगर आपको कोई कॉल आए तो उसको आंसर नहीं करना है। अब ऐसे में क्या यह बात पूरी तरीके से सच है? आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी सुने होंगे कि रेडियो वेव्स के थ्रू आग लग जाती है या जो रेडियो तरंगे होती है उनसे कुछ ऐसा होता है कि पेट्रोल में आग लग जाती है, तो ये भी इसका रीज़न नहीं है। और ऐसे में हम जानते हैं इस मिथ के बारे में कि क्या ये वाकई में मिथ है या फिर एक सच्चाई है। देखिए, मोबाइल फोन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की कि वो इंटरफेयर करें और फ्यूल में आग लगा सकें। लेकिन एक डाउट ये कहता है कि मोबाइल फोन्स में अगर आप कोई कॉल लेते हैं, अगर आप किसी कॉल को रिसीव करते हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा स्पार्क आ सकता है मोबाइल फोन के अंदर। बहुत ही माइनर सा होगा, आपको दिखेगा भी नहीं, आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जो फ्यूल आप भर रहे हैं, अगर वो पेट्रोल है या डीजल है, तो ऐसे में उसकी जो फ्यूम्स हैं, वो वेपर्स जो है वो दूर तक निकल जाती हैं और ऐसे में वो वेपर्स फायर कैच कर सकती हैं और वो फायर बाद में फैल सकती है, ऐसी एक थ्योरी है। लेकिन FCC, अगर आपने नाम सुना हो, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, तो उसने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात आज से नहीं, ये बात जब से ये मिथ निकली है तभी से कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है किसी मोबाइल फोन में कि वो ऐसी आग लगा सके। लेकिन फिर हम देखते हैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे CCTV कैमरा की फुटेजेस कि ऐसे में एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, एक गैस स्टेशन के ऊपर एक गाड़ी आई, किसी ने फोन कान पर लगाया या नहीं भी लगाया, पता नहीं फोन किसी ने उठाया होगा नहीं उठाया होगा, और बस जैसे ही वो नोजल को बाहर निकाल रहा था जो पेट्रोल फिल कर रहा था, और ऐसे में गाड़ी में आग लग गई। अब ऐसे में हमको लगता है कि यार ये तो बहुत ही रिस्की चीज है, किसी ने फोन पर बात करी होगी और आग लग गई होगी। दोस्तों, ऐसा गलत है। ये जो आग है वो लगती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, बहुत सारे पंप्स ऐसे हैं जहां पे सेल्फ सर्विस आपको देखने को मिलती है, तो ऐसे में अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, अगर आप चार्ज हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, आपने नीचे शूज पहने हैं तो डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, आप किसी और चीज को छूते नहीं है मेटलिक पार्ट को, तो आप डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में आप डायरेक्टली अगर उसकी नोजल को छू लेते हैं तो वो जो मेटलिक पार्ट होता है उसका, उस पर एक जरा सा स्पार्क आया और जैसे मैंने बोला वेपर्स आ रही होती हैं तो वो आग पकड़ लेती हैं। तो जितने भी आज तक इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह के पेट्रोल पंप से, वो सभी के सभी हुए हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। इसका मोबाइल फोन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपको मिलते हैं वहां पे वार्निंग साइंस, तो वो सिर्फ इसलिए कि देयर इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि मोबाइल फोन्स में अंदर आपको कुछ थोड़ा स्पार्क मिले और उससे आपके आग ऐसे लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आज तक हुआ भी नहीं है और आगे भी होने के चांसेस बिल्कुल नॉमिनल है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, इसीलिए आपने देखा है कि सभी जगह आपको बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, जबकि नासा ने, FCC ने और बाकी जितने भी मेजर ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी एजेंसीज हैं, सभी ने ये क्लियर कर दिया है कि मोबाइल फोन्स का पेट्रोल स्टेशन पे आग लगने से दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। आग के आज तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं या आगे जो होने के चांसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। अब ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक गैस स्टेशन पे काम करते हैं या अगर आप एक ऐसे स्टेशन पे जा रहे हैं जहां पे आपको खुद से फ्यूल फिल करना पड़ेगा अपनी कार में, तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी कार में बैठे हैं और उतर गए हैं और आप डायरेक्टली उस नोजल को छू लें। आप अगर किसी कार के मेटेलिक पार्ट को पहले छू लेंगे जिससे आप एक बार डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद में आप नोजल को छूए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में ही अगर आप एक फ्यूल स्टेशन पर काम करते हैं, तो आप जब भी आपने नोजल लगाने को जब उसको वापस निकाल रहे होते हैं, जब फ्यूल फुल हो चुका होता है, तो आप डायरेक्टली कभी भी नोजल को मत छूए, आप पहले एक बार अपनी कार को छू लीजिए या फिर अगर आपने ग्लव्स पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी कोई भी खतरा आपको नहीं रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे इसके पीछे क्या मिथ है और क्या सच्चाई है। डिस्कवरी चैनल वगैरह के ऊपर भी सभी ने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे टेस्ट किए हैं, मोबाइल फोन का दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।